हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताएंगे हम मित्रों आप लोगों को वक्र वक्र क्या है, जे हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। वक्र कितने प्रकार के हैं जे हम आपको बतावे, ठीक है। वीडियो पूरी लास्ट तक बने रहना, वीडियो में बहुत अच्छा जानकारी चाहिए आपको, पता हो चाहिए। वक्र जब आप रेखा गणित लगाओगे तो आपको इस चीजों में पता हो चाहिए वक्र क्या है। अगर आपको जे पता नहीं है वक्र क्या है तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी रेखा गणित लगाने में। भैया पहले वक्र जान ले, वक्र क्या होता है। वक्र के नाम से ही शुरू है, वक्र तो वक्र मतलब घूमी हुई जैसे टेढ़ी मेढ़ी आकृति कोई भी हो, ऐसी रेखाएं जो जी ऐसी रेखाएं जो सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती वे कहलाते वक्र। क्या होती है ऐसी रेखाएं जो कभी सीधी नहीं होती, ऐसी रेखाएं सीधी हो भी जरूर है, अगर टेढ़ी भी हो सकते हैं सीधी भी हो सकते हैं, जब कोई जरूरत है सीधी नहीं, लेकिन ज्यादातर सीधी ही नहीं रहे, टेढ़ी मेढ़ी देती रहे। ऐसी रेखा है जो टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी रेखा है जो टेढ़ी मेढ़ी हो उन्हें वक्र कहते हैं। कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी हो चाहिए, ठीक। अब आप सीधी भी हो सकती हैं, टेढ़ी भी हो सकती हैं, वो जो बस इनको जो वक्र को मतलब जो नहीं है, रेखाएं हो चाहिए आपकी, चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो चाहे बंद हो चाहे खुली हो। वक्र आपके कितने प्रकार के चीजें हम आपको बताएंगे। वक्र क्या होता है, आपकी ऐसी रेखाएं जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उन्हें क्या बोलते हैं वक्र। अब आपको हम एक उदाहरण देवे, जैसे यहाँ पर एक आपका ए बिंदु यहाँ पर रस्ट है, ए है। अब आपको यहाँ पर बी है, ठीक है। अब इतने से आप यहाँ तक जा कैसे सकते हैं बताओ। जैसे हमने ए से आप बी लो जाए तो आप क्या करोगे, एक बार यहाँ से निकलोगे तो यहाँ पर सीधा पहुंच जाओगे, ऐसा भी जा सकते हैं, ठीक है, पहुंच सकते हैं ना। तो ए से स्टार्ट किया बी तक आप ऐसा पहुंच गए, और आपने दूसरी बार तरीका क्या जमाया यहाँ से ए से बी तक जाने का, आपने सोचा कि ऐसा क्यों ना चला जाए, ऐसा भी चले जा सकते हैं। तो ये टेढ़ा होगा, ठीक है। आप ऐसे भी तो जा सका, देखिए आप बी तक ऐसा भी तो जा सका, कैसा ऐसे ऐसे ऐसा भी जा सके, क्या दिक्कत है। तो ऐसा भी कैसे जैसा आपका जाना हो ना वैसा जा सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पर जी ऐसी देखा जाए टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है, ये सब आपका कहा वक्र है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी कैसे भी ले लो, देखो तो यहाँ से अगर ऐसे ऐसा जाए ऐसा घूम घाम के जाए का दिक्कत आ है तुम्हें, अब तो जाने चाहे जैसे होंगे, ये सब ये ऐसी रेखा खींची जाती है, सब वक्र होते हैं, चाहे जैसे हो चाहे सीधे हो चाहे टेढ़े हो। ज्यादातर तो ये वक्र कहाँ रहे, टेढ़ी मेढ़े रहे, क्या रहे हैं जनाब, टेढ़े रहे हैं, वक्र होते हैं। और आपको वक्र के प्रकार बताते हैं, तो जो जो रेखा जो खुले रहते हैं, तो देखो वक्र के प्रकार कितने होते हैं, वक्र प्रकार कितने होते हैं। आप उदाहरण के तौर पर आप चित्र तो बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं को एक बना लेना है, ऐसे 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 बना लेना एक एग्जाम्पल मैंने कह रहा, ठीक है, समझे बिगड़ा, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे भी लिख दो कुछ बात नहीं है। वक्र के प्रकार डालो हेडिंग क्या, वक्र के प्रकार, वक्र के प्रकार। वक्र भी आपके कितने दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वक्र। तो वक्र दो प्रकार के, वक्र कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पहला होता है आपका खुला वक्र, खुला वक्र। दूसरा होता है बंद वक्र, बंद वक्र। तो भाई ये बंद वक्र नाम ही स्पष्ट हो जाएंगे, जो खुला होगा वो खुला, जी आपके सब खुले हैं तो कहीं भी जा सकते, जी सब बंद तो नहीं, ये खुले हैं तो खुला। अब आपका जिद बदल सब खुला है, ये खुला वक्र की परिभाषा क्या लिख सकते, खुला वक्र क्या लिख सकते, अब खुला वक्र के लाइन लिख सकते आप, ऐसी रेखा जो कोई क्षेत्र ना घेरे, मतलब ऐसी रेखा जो ऐसी सरल रेखा जो मतलब ऐसी
ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो कभी क्षेत्र ना घेरे, मतलब किसी को घेरे ना, कोई जगह ना घेर ले, ऐसी रेखाएं जो जो कभी कोई क्षेत्र ना घेरे, कभी कोई क्षेत्र क्षेत्र ना घेरे घेरे खुला वक्र कहना था क्या? खुला वक्र कहलाता है। ऐसी रेखाएं जो कभी कोई क्षेत्र ना घेरे, जैसे जब बोट है, अगर हम इस पे गोल कर देंगे, मतलब गोल कर लेंगे, जो पूरा गोल हो गया ना गोल, इसने क्या किया, इतनी ये जंगल पूरी घेर लाई। अगर कहीं पे तुम इतने पे गोल मार दो तो इसके अंदर जितनी जगह बचा, मतलब क्षेत्र बचा, जो सब घेर लिया, तो जिस चाहो उसे बंद, कहीं पे देख लो कहीं खुला तो नहीं, बंद रहे तो जो बंद रखते हो गए, बंद वक हो गया, ठीक ना। अब आपका खुला कैसा होगा, जैसे ऐसा ले लो, ऐसे ले लो, कोई भी ऐसे ऐसे कोई भी आपके तो ले लो, जिस सब आपके खुले वक्र हैं, क्या है जो खुला है वो खुले वक्र ही कहलाएंगे, ठीक है। अब तो जैसा भी लेना हो, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं पर भी खुला हो भाई, खुला होना चाहिए आपका, खुला बहुत चाहिए जी। आप खुला वक्र के लेने का ले सकते हैं, ठीक। आप खुला वक्र हो गया आपका, एक और बचा बंद। ऐसा वक्र जो क्या कर ले, ऐसी रेखा जो कभी जैसा रेखा जो अपना क्षेत्र घेर ले, मतलब बंद हो गया पूरा घेर ले, जो क्षेत्र घेर ले, तो वो कह रहा था बंद। यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा दे रहे, बंद वक्र, बंद वक्र, बंद पक, क्या बंद वक्र। बंद वक्र कैसा होता है, ऐसी रेखा जो क्षेत्र घेरता है, ऐसी रेखाएं हैं जो जो क्षेत्र घेरती हैं। हम परिभाषा ऐसी बना के दे रहे हैं भाई, गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझाने की कोशिश करें। ऐसी रेखा जो क्षेत्र घेरती है उसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, देखो परिभाषा ऐसी हो तो दिक्कत नहीं है, बंदर वक्त आपको समझ में आ जाए, हम इस प्रकार से लिखवा रहे हैं जी। मत कहना कि हम गलत लिख रही, हम अपने अनुसार लिखवा रहे हैं। ऐसी रेखा जो क्षेत्र घेर लेती है, अब ऐसी रेखा हम ऐसा बना भी अपन कि ऐसी रेखा ले लें कि चार जैसे हो गया, अब तुम टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कैसा कर तो जी ऐसे बंद हो चाहिए। दूसरा जी कहा कि बंद बक, जैसे ऐसा जावे ऐसो ऐसो, तो कई प्रकार से हो सका था, ऐसा भी हो सका था, ऐसी बंद हो चाहिए, तो ऐसी भी हो सकत कि ऐसी भी हो सकत है ना, तो ऐसी भी हो सकत डिघाई, ठीक है। और जी आपको 800 लगा जी, सब कहा बंद वक्र, बंद वक्र भी आपको दो प्रकार के होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री।